सो हे गाइस, दिस इज मी शिवम त्रिवेदी और आज ना मैं आपको एक बहुत ही बड़ा लॉल बताने वाला हूँ हमारे ये पूरे होम डेकोर की जर्नी का। मतलब अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा था ना, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। या दिस वन वाज सो इन्फ्यूरिएटिंग, मतलब मेरे को भी इरिटेट किया है इसने और मेरे घर वालों को भी। पर शुरू से शुरू करते हैं, तो ये रहा एक और सेमी व्लॉग बैक फ्रॉम मार्च। सो हियर वी गो। तो गाइस हियर वी आर, दो दिन और बीत चुके हैं एंड आज हम बहुत ही स्टूपिड से काम के लिए बाहर निकले क्योंकि हमें पहले तो एक्चुअली बैंक का काम था, वो तो अलग बात है, लेकिन हम जो पेंट नहीं था जो हम पेंट करा रहे हैं उसमें 1 लीटर समथिंग कम पड़ गया, तो अब वो हम लेने के लिए अगेन जाएंगे मार्केट। लेकिन उससे पहले हम खा के जाएंगे क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है। हाँ, so we have McDonald's। जब हमें पता होता है बाहर निकलने, तो हम घर से कुछ खा के नहीं निकलते। और मैं मैकवेजी खाऊंगी सबसे, तुम दोनों से थोड़ा सा महंगा। मुझे नहीं पसंद है मेयो, मेयो इतनी होती है इसमें। आए तो लाइक दिस सस्ता सुंदर टिकाऊ मैकालू टिक्की जिसका प्याज बाहर आ रखा है, बट द वर्स्ट पार्ट इज टुडे इज ट्यूसडे, दैट्स व्हाई दिस। हां, मैं मैकालू टिक्की खा खा के बोर हो गई हूं, इसलिए मैं खाती नहीं। ओके, नाउ आई एम ईटिंग माय मैकपफ एंड कौन शर्त लगाना चाहेगा कि मेरा मुंह जलने वाला है और ये मेरे ऊपर गिरने वाला है, और जिस तरीके से मैं एक हाथ से खाने वाला हूं पक्का। The one time I'm doing it on video, ही नहीं गिरा, पता हमेशा गिरता है। A few minutes later. तो गाइस अभी हमने खा भी लिया है, लेकिन हमें फिर से पहले यहाँ पे घर पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को फट्टा लेके बिठा रखा है यहाँ पे। थोड़ा फट्टा ये चारकोल लूवर बच गया है एक, तो अब हमें ये रिटर्न करने वापस जाना था एंड ऑल्सो फिर वो पेंट वाला काम भी करना है एंड ऑल्सो वॉश बेसिन वगैरह बहुत कुछ देखना है, तो लेट्स गो। फाइनली हमने वो पैनल वापस पहुंचा दिया है। ऑल्सो वी जस्ट बॉट 2 मोर पेंट्स के डब्बे, वो जो लेने थे। वी ऑल्सो गॉट लाइक 2 फैंस एंड ये हैंडल्स हैं 4, क्योंकि हमने एक वैनिटी अभी अभी बनवाई है तो उसमें हैंडल्स कम पड़ रहे थे। सो या वी गॉट इट। आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, बट आई थिंक अभी भी हम बेसिन देखने वाले हैं और शायद वॉल पेपर्स भी देखने वाले हैं, तो आई विल सी यू। I swear, इतनी ज़्यादा थकान हो गई। तोते उड़ रहे हैं भाई गर्मी। और ये बचा के लाई है मैंने, मम्मी ने वही खड़े खड़े पी लिया। ये नीम क्या, what was this though? नीम, no, it was not a lemonade. बंटा। बंटा। Yeah, Delhi में we call it बंटा। A few minutes later. What did you say? The less I know. If you stay and follow, I'm so sick of myself. Rather be. आज है 31 तारीख एंड हमारा इतना दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि इतने सारे काम हो भी गए हैं, काफी सारे बचे भी हैं और सारे एक साथ हो रहे हैं, बट द ओनली गुड थिंग इज के एसी लग चुका है तो वी कैन आराम से यू नो सिट हियर। तो अभी व्हाट्स हैपनिंग इज, मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो वो मैंने पिंटरेस्ट वगैरह पे देखा था, बहुत सेक्सी लगता है, तो मैंने वो आइडिया करवाया भाई, लेकिन मिरर सर्कुलर आना है और वो यहाँ तक आएगा कम से कम, तो उसकी वजह से इसको शिफ्ट कराना है। और इतने इलेक्ट्रिशियंस बुला चुके हैं हम कि आई कैन नॉट टेल यू, आधों को हम कन्वे नहीं कर पा रहे कि भैया करना क्या, आधे बोल रहे कि हमसे हो नहीं पाएगा। एंड फाइनली मैंने अर्बन क्लैब से जाके बुक किया एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, लेकिन फाइनली Somebody has come and they are saying ये हो जाएगा and अभी वो गए हैं सामान लेने के लिए and they are gonna shift this and finally हमारा mirror हो जाएगा। अभी chandelier वगैरह, पंखा देखो हमारा कैसे लग रखा है, अभी पंखे के पंख नहीं लगे हैं अभी, लेकिन actually काफी updates हैं, जैसे wallpaper लग चुका है, wallpaper नहीं लगा था actually ना पिछले कुछ दिनों से, इतनी जल्दी 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 चीजें हो रही हैं, ऊपर से मेरे को videos भी करने हैं, ऊपर से इसको मेरी बहन को, by the way मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ये यहाँ बैठी हुई So, इसको भी वीडियोस करने होते हैं, मम्मी पापा पूरा सारा बैठ के यहाँ पे काम कराते हैं एंड यू नो वी कांट आस्क देम टू गो इधर उधर, तो बस ऐसी भागदौड़ लगी पड़ी है, लेकिन वी डूइंग इट। सच्ची घर बनाना इतना 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 बड़ा काम होता है, मुझे नहीं पता था। एंड आई थिंक जब मैं लास्ट आया था तब यहाँ हॉलवे में पेंट भी नहीं हुआ था, तो ये पूरा व्हाइट पेंट हो चुका है। ऑल्सो मेरे कमरे में वॉलपेपर लग चुका है एंड आई लव दिस वॉलपेपर, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लव दिस। और यहाँ पे सारे एसीज के, वॉश बेसिन्स के और एक और एसी एंड ये चिमनी का डब्बा पड़ा हुआ है जो कि अभी इंस्टॉल भी नहीं हुई है, अभी पता नहीं कब होगी। वैसे आई डोंट थिंक मैंने बताया कि ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, बिकॉज
दो दिन में 3 तारीख को यानी कि हमारा मुहूर्त है घर गृह प्रवेश का, एंड उससे पहले सब कुछ डन करना है क्योंकि सारे रिलेटिव्स वगैरह सबने आ रहा है, तो वी आर जस्ट गेटिंग इट डन। जस्ट लुक एट दिस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन दिस आई थिंक माइट बी वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस। ये है हमारा वॉश बेसिन जो कि हमारी पुरानी सिंक भी पड़ी हुई है। ये वाली सिंक एक्चुअली इन लोगों ने हमें लगा के दी थी बट ये बहुत ही है तो हमने वही वाली लगवा ली है दूसरी जगह भी। So he just went and उन्होंने ये यहाँ पे कर दिया है and I know ये अभी बहुत abrupt लग रहा है but this is what we wanted। यहाँ पे पूरा mirror आएगा circular and यहाँ पे हम कुछ planter या कुछ ऐसी tables रख के ढक देंगे। So ठीक है। Okay तो इस सब के बीच में ना काफी ऐसी भी चीजें हुई जो मैंने vlog नहीं की, like this mirror जिसको execute करना was a task। सब कहते हैं ना कि maths की चीजें कभी काम नहीं आती life में, like sin theta, cos theta, but wait till I tell you this कि मेरे वो जो circles की सारी चीजें नहीं होती थी, segment, arc, sector वगैरह, वो सब काम आया ये mirror बनवाने के लिए। वो भी ऑल बिकॉज मुझे सेमी सर्कल नहीं चाहिए था, मुझे ये थोड़ा सा कटा हुआ सर्कल चाहिए था। देन वी डिड वॉलपेपर्स आल्सो, पहले हम ये वाले सोच रहे थे बट ये काफी ना डार्क और भरे भरे से थे, सो वी डिडंट वांट दैट, वी वांटेड समथिंग सिंपल एंड लाइट, तो वी वेंट फॉर दीज। उसके बाद वी वेंट टू क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए एंड एज यूजुअल वहां पे प्ले स्टेशन का स्टेशन अभी भी खाली था। खैर वहां से हमने एसीज और चिमनी लिए एंड यार इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, मतलब देखो यूजुअली यू नो मैं प्राइसेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, मेरे को नहीं अच्छा लगता, बट जो चीजें अनरीजनेबल है आई कांट जस्ट लेट देम गो। लाइक लुक एट दिस चिमनी, 21,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से धुआं खींचने के लिए, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और 21,000 वो भी सेल पे थी, उसका एक्चुअल प्राइस पता नहीं कितना 34-35 था and I just can't understand that। ऊपर से इसकी installation foot by foot basis पे होती है तो वो cost और add हो जाती है, और मुझे at the end यही लगा कि भाई पुराने वाले घर में भी तो रह ही रहे थे ना बिना चिमनी के, थोड़ा बहुत ठीक है गोभी के पराठे वगैरह बनते थे तो भर जाता था धुआं करके निकाल लेते थे अगला एक घंटा, बट काम चल रहा था ना। Also fun fact, 90% of the times मेरी मम्मी और मेरी बहन ये चिमनी ऑन करना भूल जाती है क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। Like यहाँ पे कैरी विनाटी का वो पैसा बर्बाद वाला मीम आप इंसर्ट कर सकते हो। यार गाइस कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ऐसी कौन सी चीजें एकदम यूजलेसली एक्सपेंसिव लगती हैं। खैर इस सब के बाद वी वेंट फॉर फर्नीचर शॉपिंग जिसका भी मैंने सेमी व्लॉग करा है, सो हैव अ लुक। एंड बेसिकली टुडे वी आर एट कीर्ति नगर, एंड जो लोग दिल्ली से उनको पता होगा कीर्ति नगर इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स फॉर फर्नीचर। मैं उतना एक्सपेक्ट करके नहीं आया था बट ब्रो दिस लुक्स सो लिट, दिस प्लेस इज जन्नत। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, ये एक के बाद एक शोरूम और ये और वो सब है। सो आई डोंट नो आज मैं क्या व्लॉग कर पाऊंगा क्या नहीं, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ एंड यू नो यार मेरा एक्साइटमेंट में ना सब मैं भूल जाता हूँ। सो आज का एजेंडा वैसे तो हमें सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर देखना है, बेड्स भी देखने हैं एंड सोफाज भी देखने हैं, सो लेट्स सी क्या मिलता है। ओ माय गॉड, मतलब इतने घंटे बीत चुके हैं, हम इतना ज्यादा थक चुके हैं। एक मिनट मेरे बाल कितने, शैम्पू इसलिए नहीं करता मैं पता है, लेकिन आई हैव सच अ गुड न्यूज, हम इतनी अमेजिंग जगह गए एंड ओ माय गॉड, पता है हम ना मार्केट इतने महीनों से घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन आज पता नहीं हम लगता है ऐसे एजेंडा से निकले थे, बाल ऐसे उड़ रहे थे तो भूतनी है मैं भूतनी हूँ, तो हम इतना टाइम एक्चुअली आज एक्सप्लोर करने पे लगाया और आज हम एजेंडा के साथ गए थे ना, तो आज ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कैपिटलाइज करा। यू विल नॉट बिलीव, वी डिड बेड्स, वी डिड सोफा एंड वी डिड द टेबल, तो जो इतने टाइम से टेंशन चल रही थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं चीजों की थी क्योंकि सबसे मतलब मुश्किल से ये चीजें ढंग की मिल रही थी और सबसे बड़ी चीज पता है ना सब रहता था, पहली बार कर रहे हैं ये सब तो हम ना बहुत क्लूलेस लोग हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि यू गाइस नो, एंड वी वर थिंकिंग कि भाई इफ अगर हम कुछ खरीद लेंगे ना इफ एवरीथिंग विल कम अक्रॉस टुगेदर और नॉट, आल्सो यू गाइस नो कि हमारा सोफा वो सड़ा सा आप लोग जिस पे वो लाइन वाला जिस पे 5-6 साल से देख रहे हो, तो वी हैव नेवर चेंज फर्नीचर, हमारे लिए इतना नया है ये सब, आई डोंट बट वी आर वेरी एक्साइटेड, आई डोंट नो अगर आपको लग रहा है वो ओवर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम हो सकते हैं हम कर रहे हो, बट बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है भाई। सो या वो जो सोफा था ना वो हमें नेक्स्ट डे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उनकी कॉल आई एंड दे सेड ये उस डेट तक नहीं हो पाएगा जब आपको चाहिए,
एंड ओ माय गॉड इट गॉट रियली स्ट्रेसफुल। ये मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं इस फ्रेम पे, ये मैं अपनी बहन के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं छोटा सा लग रहा है, मेरा वाला वाइड होता है एकदम। मतलब अभी जब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को इतनी बड़ी चीज नहीं लग रही कि ठीक है यार सोफा ही तो नहीं मिला, मतलब देख लेंगे क्या हो गया, लेकिन उस टाइम पे ट्रस्ट मी इट वाज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम वो पुराना वाला सोफा यार नहीं ला सकते थे इधर। तो फिर हमें सोफा अपने घर के पास की एक शॉप से लेना पड़ा जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, मतलब दूर दूर से ब्लॉगर्स आके उसका रिव्यू बनाते हैं एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली हम पहले जा चुके थे और इतनी कुछ खास लगी नहीं, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो वी हैड टू गेट इट फ्रॉम देयर, एंड दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं एंड ट्रस्ट मी मैं मेरे घर वाले सब परेशान है उस सोफे से, बिकॉज इट इज सो अनकंफर्टेबल एंड इसका कलर भी लाइटर है उस कलर से जो हमने ऑर्डर किया था। लाइक लेजिट नया सोफा बैठने पे चें चें वाली आवाजें करता है, मतलब इतनी आवाजें जितना हमारा पुराना सोफा भी नहीं करता था। वो तो कैमरा पे ठीक लगता है इसलिए हम काम चला रहे हैं, वरना कंप्लेन तो हमने कितनी बार की है, वो आते हैं कुछ 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 करते हैं एंड देन इट्स बैक टू नॉर्मल, सो आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। सो दैट वॉज इट गाइज, वो एक अकेली चीज जो अच्छी बिल्कुल नहीं निकली हमारी इस पूरी होम डेकोर की जर्नी में, बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज ग्रेट। अब बस गृह प्रवेश और शिफ्टिंग वाला व्लॉग रह गया जो कि आई थिंक मैं नेक्स्ट डालने वाला हूँ, सो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कॉमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हाँ अगर कोई सजेशन हो वीडियोज के लिए तो ड्रॉप देम इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो, बाय बाय।